सोहार झारखंड सोहार गुमला मैं ही कोचिंग सेंटर नाम से विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गुमला जिला जो कि झारखंड राज्य का एक जिला है, झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं, उन्हीं में से गुमला एक जिला है। तो इस गुमला जिला की चौहद्दी क्या है, गुमला जिला की बाउंड्री क्या है, तो चलिए गुमला जिला की चौहद्दी बताने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उससे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों अब हम लोग गुमला जिला की चौहद्दी को देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पर गुमला जिला का खूबसूरत सा अनुमानित मानचित्र ड्रॉ किया हुआ है। ये एग्जैक्ट मानचित्र नहीं है प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे स्केलिंग करके बनाया हुआ नहीं है। तो चलिए अब इसकी चौहद्दी को देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग उत्तर की दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ देखिए दो जिला है, लातेहार और लोहरदगा, और ये दोनों जिला झारखंड राज्य का जिला है। लातेहार और लोहरदगा ये दोनों झारखंड राज्य का जिला है जो कि उत्तर की दिशा में है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि दक्षिण की दिशा में, तो देखिए सिमडेगा जिला है जो कि झारखंड राज्य का ही जिला है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि पूरब की दिशा में, तो दो जिला है, एक है रांची और एक खूंटी, ये दोनों जिला गुमला जिला के पूरब की ओर स्थित है। अब मैं बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि पश्चिम की ओर, तो दोस्तों एक छत्तीसगढ़ का जिला है जिसका नाम जशपुर है। तो गुमला जिला कुल मिलाकर दोस्तों 5-6 जिला की सीमा को साझा करता है। लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा और जशपुर, ये 6 जिला की सीमा को साझा करने वाला गुमला जिला है। तो आपको ये बात मालूम चल गया होगा कि गुमला जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को भी साझा करता है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों झारखंड के मानचित्र पर गुमला जिला पश्चिम की दिशा में स्थित है, पश्चिम की दिशा में स्थित है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय झारखंड, जय गुमला।